लगता है उनको एहसास है गांधी जी किसे माफ नहीं करने वाले हैं। जिन लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जिन लोगों को मानती है, जिन लोगों का अनुसरण करती है, चाहे सावरकर रहे हों चाहे गोडसे रहे हों, जिन्होंने गांधी जी की हत्या करने की कोशिश की, अंत में गोडसे सफल हुआ, उसने गांधी जी की हत्या की। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके नेता और इनके मंत्री हर क्षण हर समय गांधी जी के विचारों को मारने की कोशिश करते रहते हैं। वो लोग इससे अवगत हैं, इन्होंने बार बार प्रयास करने के बाद गांधी जी के विचारों को हत्या नहीं कर सके, इन्हें मजबूरन अपने पाप धोने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन जिन्होंने इतने पाप किए हैं, मुझे लगता नहीं कि पाप कम होंगे अगर ये सच्चे माने में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसलिए असहयोग किया है, गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन चलाया था। वो ऐसी सरकार है जो अंग्रेजों की तरह से काम कर रही है, गांधी जी ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंका था। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ जिनकी जो अग्रज रहे हैं, जिनकी ये बात करते हैं, जिनको ये भारत रत्न देने की बात करते हैं, उन लोगों ने गांधी जी के शरीर की हत्या की। इनके मानने वाले लोग हर क्षण गांधी जी के विचारों की हत्या करते हैं। इनके मंत्री प्रज्ञा ठाकुर जैसे सांसद हर समय गांधी जी को अपमानित करते हैं। इससे हजारों लोग हैं जो गांधी जी का बुत बनाकर, अभी आपने देखा होगा, गांधी जी का बुत बनाकर गांधी जी पर गोली चलाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि देखिए, गांधी जी ने जो स्वराज की बात की, गांधी जी ने सबकी बात की, अभी जिन पत्रकारों ने खबर चलाई, उन पत्रकारों पर बड़ी बड़ी धाराओं मुकदमे लगाए गए, और गांधी जी के जिन्होंने बुत बनाकर गांधी जी की हत्या की, उनके ऊपर मामूली धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए कि कहां का रामराज है। ये रामराज का ढकोसला, इनको अपने पाप कम करने की कोशिश मात्र है। मुझे लगता नहीं इनके पाप कम होने वाले हैं। अगर सच्चे माने इनके पाप को कम करना है तो मुझे लगता है सदन में खड़े होकर, मैंने कहा था कल इनसे, अगर इन्होंने कल भी कर दिया तो कांग्रेस पार्टी विधान परिषद में हिस्सा लेगी। मैंने इनसे कहा था कि खड़े हों सदन में और नाथूराम गोडसे के मुर्दाबाद नारा लगाएं। ये सदन में खड़े हों जिन्होंने गांधी जी की हत्या करने की साजिश की, सावरकर के मुर्दाबाद के नारा लगाएं, और खड़े होकर जिन जिन लोगों ने अभी तक गांधी जी के विचारों की हत्या करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सदन के भीतर निंदा प्रस्ताव पारित करें, तो मुझे लगता है उस तरह के पाप कुछ कम हो जाएं। अन्यथा जो आज ऐसा लग रहा है, कोई भेड़िया झुंड बनाकर बैठा हो और उन भेड़ियों के बीच में जीव रक्षा और जीव दया की बात हुई।